कल फिर से बारिश होने वाली है। कल मैं अपना छाता ले आऊंगी। चलो फिर, मैं अपना नहीं लाता। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत हासिल की और फन से आसमान के सबसे रोशन सितारे बन गए। कई ऐसी अदाकाराएं हैं जिनके बारे में वो आई, इसने देखा और छा गई की मिसाल दी जा सकती है, और वो इस मिसाल पर 100% पूरा उतरती हैं। 70 की दिहाई में एक ऐसी अदाकारा सिल्वर स्क्रीन पर नमूदार हुई जो आई, इसने देखा और छा गई, और फिर अगली एक दिहाई तक इसके फन का जादू फिल्मी शाहिकीन के दिलो दिमाग पर छाया रहा। रातों रात स्टार बनने वाली इस बॉलीवुड क्वीन ने एन अपने अरूज में शादी कर ली, और वो ये पहली हीरोइन थी जिसने बॉलीवुड के अजीम फिल्म मेकर राज कपूर की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, और एक छोटी सी गलती ने इनके कैरियर को ब्रेक लगा दी। जी हाँ दोस्तों, 70 की दिहाई में एक ऐसी अदाकारा भी इंडियन सिनेमा पर राज कर चुकी हैं जिसकी सादगी पर एक जमाना फिदा था, लेकिन वो जिस तरह सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी अपनी असल जिंदगी में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म स्टार के कैरियर, शादी, एन अरूज में फिल्मी दुनिया से दूरी और दोबारा शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा भी आपको हमारी जबरदस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। जी तो हम बात करते हैं 1974 में अदाकार किरण कुमार की फिल्म राजा काका की हीरोइन विद्या सिन्हा की, जिन्हें उसी साल रिलीज होने वाली इनकी दूसरी फिल्म रजनी गंधा ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार बना दिया, और फिर अदाकार संजीव कुमार के साथ फिल्म पति पत्नी और वो की शानदार कामयाबी ने विद्या सिन्हा की शोहरत को चार चांद लगा दिए। विद्या के वालिद और नाना अपने दौर के मारूफ प्रोड्यूसर्स थे। विद्या का ख्वाब भी सिल्वर स्क्रीन की हीरोइन बनना था, और जब इसने अपना ये ख्वाब घर वालों से शेयर किया तो इसे कोई अहमियत ना दी गई। विद्या बड़े पर्दे पर अपने हुस्न और अदाकारी का जादू चलाना चाहती थी, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, इसे घर में ही नजरअंदाज कर दिया गया। धमाका तो तब हुआ जब विद्या का फोटोशूट एक मैगजीन में छपा और इसे एक फिल्म की ऑफर हुई। फिल्म स्क्रीन पर अपनी सादगी से शाहिकीन के दिल मोह लेने वाली विद्या सिन्हा ने फिल्मों में ज्यादातर रवायती खवातीन वाले किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में वो ग्लैमर से भरपूर थीं। 18 साल की उम्र में बतौर मॉडल कैरियर शुरू करने वाली विद्या ने मिस बॉम्बे का टाइटल जीता। संजीव कुमार के साथ फिल्म पति पत्नी और वो का एक गीत ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए आज भी अपनी पसंदीदगी के एतबार से सरे फहरिस्त है। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मम्मी को तैरने का बहाना चाहिए। अदाकार विनोद खन्ना के साथ फिल्म इनकार समेत विद्या ने अपने 10 साल कैरियर में 30 फिल्मों में काम किया। विद्या सिन्हा आज भी 1974 में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म रजनी गंधा के हवाले से मारूफ हैं। इस फिल्म के गीत 70 की दिहाई के हिट फिल्मी गीतों में शुमार किए जाते हैं और आज भी पसंद किए जाते हैं। विद्या की रातों रात कामयाबी ने इस दौर की स्टार्स अदाकारों को चौंका कर रख दिया। विद्या की आखिरी फिल्म 1980 में स्वयंवर थी। अपने एक इंटरव्यू में कैरियर के एन अरूज में शादी करने और फिल्म इंडस्ट्री से अलहदगी प्यार करने के हवाले से सवाल के जवाब में विद्या का कहना था कि मैं बस अपनी फैमिली शुरू करना चाहती थी। अपने एक और इंटरव्यू में विद्या सिन्हा ने बताकर सबको हैरान कर दिया कि राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान से पहले इन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म में इन्हें रूपा का रोल पसंद नहीं आया और इन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म में इस रोल को बाद में जीनत अमान ने निभाया और ये फिल्म सुपरहिट रही। बात की जाए अगर विद्या सिन्हा के कैरियर के ब्रेक की तो कैरियर के एन अरूज में इन्होंने शादी कर ली। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि ये वो दौर था कि जब ना सिर्फ हीरोइंस बल्कि हीरो भी शादी करने से गुरेज करते थे, और अगर कोई शादी कर भी लेता था तो उसे छुपाता था, लेकिन विद्या ने अपनी शादी को छुपाने और कैरियर को जारी रखने की बजाय शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर ली। बाद अजां वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गयी। चंद साल वहाँ रहने के बाद वापस इंडिया आई और शोबिज इंडस्ट्री में दोबारा काम शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ बरस अपनी बेटी जानवी की देखभाल में लगाए और इसी बीच इन्हें एक गहरा झटका लगा। इनके शौहर बीमार पड़ गए, इतने बीमार के सन 1996 में उनका इंतकाल हो गया। कुछ साल विद्या सिन्हा ने अकेले काटे, लेकिन सन 2001 में विद्या सिन्हा ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन इनकी दूसरी शादी ना चल सकी और इनकी तलाक हो गई। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में वो अपने एक्टिंग कैरियर को भूल चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी जानवी के कहने पर इन्होंने वापसी की और बड़ी स्क्रीन की बजाय छोटी स्क्रीन का रुख किया। टेलीविजन पर मुख्तलिफ सीरियल्स में काम किया। 2011 में अदाकार सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में भी विद्या ने काम किया, जो 25 साल
बाद इनकी फिल्म थी और यही फिल्म विद्या सिन्हा के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। अगस्त 2019 में अपने दौर की सुपरस्टार 71 साल की उम्र में फेफड़ों और दिल की बीमारी के बायस मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गईं। लेकिन इनकी शोहरत का ये आलम है कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं और इनकी पुरानी फिल्मों को पसंद करते हैं। आप देख रहे थे HD इंटरटेनमेंट। मारुषा इम्तियाज को इजाजत दें और मजीद इंटरटेनमेंट के लिए देखते रहें हमारा चैनल।